Exhibition Center. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. This is Anusha Chetri and you're watching the Anusha Chetri's channel. So आज फाइनली हम जा रहे हैं गैंगटॉक सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए. सो आफ्टर एक्सप्लोरिंग अदर प्लेसेस फाइनली इट्स टाइम टू एक्सप्लोर गैंगटॉक. सो लेट्स गो. And the very first stop of today is Bakthang Falls. So, आप देख सकते हो कि it's right opposite to the Bakthang Falls. यहाँ पर दिखेगा आपको प्यारे नज़ारे and बहुत ही छोटे छोटे stalls जहाँ पे आप अपना पेट पूजा कर सकते हैं. सुबह का स्टार्टिंग कर रहे हैं हम फ्रूट से, फ्रेश फ्रूट्स, बिकॉज वी आर हेल्थ कॉन्शियस. तो यहाँ पे मेरी दी कर रही है जिप लाइनिंग एंड अनफॉर्चुनेटली मैं उस दिन नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ माई आउटफिट. कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम. तो आवर नेक्स्ट स्टॉप वॉज मोनेस्ट्री एंड आई टोटली फॉरगॉट द नेम ऑफ द मोनेस्ट्री. आई एम रियली सॉरी. ये मोनेस्ट्री तब खुला नहीं था बिकॉज ऑफ द कोविड गाइडलाइंस. Now we are going little inside to see the monastery because आए हैं और monastery को ना देखे ऐसा तो हो नहीं सकता था. तो हम चले गए थोड़ा सा अंदर but we can't enter inside the monastery and we exit from the monastery and मुझे ये नज़ारा दिख गया. Just see the old man who is working hard in this street. Here comes the next stop and this is the most waited stop and the most famous stop. So that is Tashi Viewpoint. So finally we are in Tashi Viewpoint. Rishto ke sarang. So this is how it looks. The most awaited place of mine to show you all was this because I was really excited to explore this place क्योंकि मैंने बहुत सुना है इसके बारे में and बहुत सारे YouTube videos में भी मैंने देखा था and it totally worth it because जाके मेरे को इतना अच्छा लगा. सच में view point is too good and we tried Sikkimese dresses as well. So the next place is Larsa Falls. So one more falls. So yeah, आप just decorations देखो, मतलब decorations नहीं, flags देखो. Oh my god, it's totally looking so good, so so good. So right now we are in Larsa Falls and this is how it looks. So our next stop was Plant Conservatory and to be honest this wasn't a right decision taken by us because winter season mein aapko wahan pe kuch nahi dikhega. If you are going in spring season then this is a must visit place I would say. ढेंगरे साला.
फ्लावर्स, इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं यहाँ पे। मैरी गोल्ड ना एगुलो, दिस इज मैरी गोल्ड। See those small, small flowers over there. The beauty of Sikkim. So now we are heading to Foxglove, and ये है देखिए। सबसे पहले बड़े बड़े अक्षरों में दिखाया डू नॉट टच फ्लावर्स। ऑल द फ्लावर है नहीं अभी फिलहाल, स्प्रिंग सीजन में आएंगे तो फ्लावर्स बड़े अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। सी द व्यू, हाय बर्ड ऑफ paradise. सो अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ, आप देख सकते हो वे टू वाटरफॉल, सो लेट्स गो। सो मेरी दो गाइड आगे जा रही है मेरे को लेके। और हम हो गए गुम। सो मेरे गाइड हो गए मेरे से पीछे और मैं जा रही हूँ उनको गाइड करके। अब बाहर आऊंगा ना, नाउ ये कौन से वे में जाता है? यहाँ पे बहुत सारा वेज है। शेर वेर आ गया सा? सो हमने कर दिया कैंसिल वाटरफॉल देखने का प्लान, क्योंकि हमें नहीं मिला। बट आवाज उस तरफ से आ रही है ना, ए हम इतने बड़ा ताक हो रहे। ठीक है फिर से चलते हैं और देखते हैं। अरे ये तो बस ब्रिज आवाज ओखंड क्या अच्छे And see the view. The view, the view, the view. ओए तो दूर थे क्या सोरा तक? सो प्लान कंसर्वेटरी बहुत ही बड़ा एरिया था एंड हम उसको पूरा एक्सप्लोर भी नहीं किए एंड हम निकल गए बिकॉज वी हैव अदर प्लेसेस टू कवर।
So now we are entering to Ganesh Tok, which is one more a very famous place to visit. And फिर से सीढ़ियाँ चढ़ो. जी हाँ गाइस, वापस से सीढ़ियाँ चढ़ो. यहाँ पे हर जगह इतनी सीढ़ियाँ हैं, इतनी सीढ़ियाँ कि आपका घूमते फिरते वर्कआउट भी हो जाता है. हर जगह इतना ड्रेसेस. बाय द वे, अंदर वीडियो करना अलाउ नहीं था, सो इसीलिए मैं बस बाहर से दिखा रही हूँ आप लोग को जितना दिखा सकती हूँ. देन हम अंदर गए, हमने अंदर का एक्सप्लोर किया एंड द प्लेस इज सो गुड. So finally we are on our another spot, that is Hanuman Tok, and this place is managed by army. Look at the view, guys. Look at the view. मैं और भी आगे जाना चाहती थी, but we didn't have time, so. And the last place of today is Flower Exhibition Center. One more, I would say, wrong decision of us again. That's totally okay. We would like to visit again during the spring to see the blooming flowers. सो यहाँ मुझे दिख गया रोज का ट्री एंड सी द रोजेस, दे वर सो गुड. दिन भर घूमने के बाद वी डिडंट गॉट टाइम टू हैव अवर लंच, सो यहाँ पर हम आ गए हैं चाट खाने के लिए. सो दिस इज कॉल्ड चुरमुरा. कैसा है? So finally, I came with my sister in a dinner date to have a proper meal. हम होटल रूम में एंड गैंगटॉक का लास्ट डे हमारा बेकरी के साथ हम खत्म कर रहे हैं, पेस्ट्री के साथ. ये कोई बेकरीज आस्ते बोलना, बात मत करना. वेकीज बेकरी इज है यहाँ पर, वहाँ से हम लोग ने लाया है. देखिए दिस हाउ इट इज. सो अब इसको जल्दी जल्दी खाते हैं एंड आज का ये वाला दिन एंड करते. हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल. This is Anusha Chetri and you're watching the Anusha Chetri's channel. So I'm really sad today because today is the last day of us in Gangtok and I really don't want to leave. Like मेरे को प्यार हो गया गैंगटॉक से, तो मुझे मैं बहुत ज़्यादा sad हूँ, but जाना तो पड़ेगा. Everything needs to end someday. So हमारा आज का trip, हमारा trip भी आज end होने को आ गया है. एंड वन और एक चीज़ मैंने पहले वाले ब्लॉग में मैंने ना इंट्रो दिया ना आउट्रो दिया बिकॉज आई रियली फॉरगॉट एंड आई वाज सो मच टायर्ड पूरा दिन घूम के
कि मैं एकदम भूल ही गई. सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. बट इस वाले में मैं एकदम इसीलिए सुबह सुबह उठ के मैंने इंट्रो कर दिया. मैं अभी बज रहा है 7, हमारा चेकआउट है 12 बजे एंड हमारा ट्रेन है रात को. सो या फिर कब आएंगे पता नहीं, शायद नेक्स्ट ईयर. बट आई एम रियली सैड बिकॉज मेरे को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है यहाँ पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. यहाँ का माहौल, यहाँ का एवरीथिंग इज सो गुड. आई रियली वॉन्ट टू सेटल हेयर. चलिए कोई नहीं. मैं हो गई हूँ रेडी अब निकलने के लिए एंड हमारा हो गया पैकिंग भी कंप्लीट. सो हमारा चेकआउट है 12 बजे. अभी बज रहा है 10:15 आई गेस एंड हमारा चेकआउट है 12 बजे. सो वी हैव मोर 1 आवर इन आवर हैंड. सो या हमारा हो गया है सारा पैकिंग, लगेजेस, एवरीथिंग हैज़ बीन डन. ये दीगा है जो अभी तक नहीं की है, वो आएगी करेगी. एंड देयर इज़ माई सिस्टर जो जाने से पहले लास्ट बार इज सो ले रही है. बाय द वे दिस इज माई आउटफिट ऑफ द डे. या सो अभी 12 बजे चलते हैं एंड हमारा कुछ शॉपिंग भी करना था सुबह, सो हमने कर लिया है ऑलरेडी. सुबह सुबह जाके मार्केट से थोड़ा बहुत शॉपिंग, मतलब शॉपिंग इनके मतलब शॉपिंग मतलब थोड़ा सा जो वो लेना था, जैसे कि साग वगैरह होता है, राई साग इफ़ यू नो, विच इज़ वेरी फेमस ओवर हेयर. सो वो लेना था. सो वो सब हो गया सारा लेना. सो सुबह सुबह गए लाल बाज़ार मार्केट, इफ़ यू नो. एंड इन केस इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ लाल बाज़ार मार्केट, दैन दैट इज़ अ मार्केट इन गैंगटॉक जहाँ पे आपको सस्ते से सस्ते सामान मिल जाते हैं. एंड बिलीव मी गाइस, यहाँ के लोकल सब वहीं पे जाते हैं. सो या देयर इट इज़, आपको बड़े बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे शॉप्स मिल जाएंगे वहाँ पे, लाइक सब्जियाँ एंड अलग अलग चीज़ें भी मिल जाती है. गोलगप्पे वगैरह पे रहते हैं, बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे व्हाट्स दैट, आई एम रियली सॉरी, गोलगप्पे जिसको हम पुचका बोलते हैं. सो या वहाँ पे मिल जाएंगे एंड बहुत ही हाइजेनिक वे में बनाते हैं. सो मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगा जो कि कोलकाता में आपको, मेरे को उतना नहीं मिलता है हाइजेनिक वाला पुचका, यहाँ पे बहुत ही हाइजेनिक तरीके से बनाते हैं. सो या अभी हम वेट करते हैं, 1 घंटा है हमारे पास अभी भी. हमने सुबह सुबह, या लेट मी टेल यू, सुबह सुबह लाइक रात को आपने देखा होगा कि हमने कितना ठूसा था. सुबह उठ के वापस खाए हमने आलू पराठा, 2 मिठाई एंड हैप्पी फीस आई गेस. एंड इसीलिए अब लंच आई डोंट थिंक हम करने वाले हैं, सीधा अब जाके डिनर ही होएगा जो हमारा होने वाला है. सो या चलते हैं. हमने होटल से कैब लिया एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स स्टैंड जहाँ से हमें NGP के लिए जाना है. सो दिस टाइम वी टुक बस विच कॉस्ट अस अराउंड 200 पर पर्सन, क्योंकि हमारे पास और पैसे बचे नहीं थे, बेसिकली हमने सब खर्च कर दिए थे. जैसे जैसे हम NGP के करीब आ रहे थे, मेरा दिल वैसे वैसे और भी ज्यादा रो रहा था. Cause I don't want to leave Gangtok. So, वहाँ पे मेरी दीगा सीट है, उसी के बगल में मेरी और एक दीगा सीट है एंड सबसे ऊपर वाले कोच में मेरा सीट है. गाइस इतना ज़्यादा भीड़ है, ये गुवाहाटी से आ रहा है ट्रेन, इसके वजह से मे बी एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल. सो आई डोंट थिंक मैं ज़्यादा आज ब्लॉग करने वाली हूँ. सो लेट्स सी.